बात करीशुं हवे वावाजोड़ा विषे। तौकते वावाजोड़ानी संभवित असर कोविडना स्थळांतरित दर्दीओ माटे आरोग्य संसाधन उपलब्ध करावाशे। स्थळांतर प्रक्रिया दरमियान कोविड गाइडलाइननुं पण पालन कराशे। एनडीआरएफनी 25 टीमो तैनात कराई छे। दक्षिण गुजरातथी कच्छ सुधी एनडीआरएफनी टीमोनी तैनाती छे। 150-175 किलोमीटर प्रति कलाकना झड़पे पवन फूंकाय तेवी शक्यताओ छे। નીચાવાળા વિસ્તારમાંથી સ્થળાંતર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરાઈ હોવાના સમાચાર। પાણીમાં ડૂબી ગયેલા વ્યક્તિની શોધખોળ કરવા ખાસ ઇઝરાયેલી ઇક્વિપમેન્ટનો પણ ઉપયોગ કરાશે। વાવાઝોડું ગુજરાતના કયા દરિયાકાંઠે ટકરાશે તે અનુમાન લગાવી શકાતું નથી અને માટે આખાય દરિયાઈ પટ્ટા પર તંત્ર હાલમાં એલર્ટ મોડ પર છે। हाँ, मैं रणविजय कुमार सिंह, डिप्टी कमांडेंट एनडीआरएफ गांधीनगर। आईएमडी के प्रेडिक्शंस के मुताबिक विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा 150 से 160 जो 175 तक जा सकता है वो रहने की संभावना है, लेकिन लैंडफॉल कहाँ होगा ये अभी क्लियर नहीं है। तो हम लोग पूरा कोस्टल एरिया को साउथ गुजरात से लेकर और कच्छ तक का सभी जगह टीमों को डिप्लॉयड किए हैं। साथ ही चूंकि राज्य सरकार की पॉलिसी है जीरो कैजुअल्टी की, तो उसके तहत हम लोग कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। जहां भी संभावित जो लो लाइन एरिया है वहां से शिफ्टिंग कराया जाएगा। अगर कोई पुराना बिल्डिंग है तो उसको खाली कराया जाएगा। व साथ ही जहाँ भी अगर कोई पानी में डूबता है तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट डीप डाइवर्स होते हैं, हमारे पास इजरायली इक्विपमेंट्स हैं जो कि सोनार सिस्टम है, जो कि अगर कोई पानी में डूबा हुआ है तो उसको हम लोग सर्च कर सकते हैं। सैटेलाइट फोन है, क्योंकि कम्युनिकेशन फेलियर उसमें काफ़ी विंड स्पीड के कारण हो जाता है, तो सैटेलाइट फोन से हम प्रशासन को भी मदद करेंगे और किसी को आवश्यक पड़ता है तो उसको भी मदद करेंगे। साथ ही कोविड का भी अभी प्रकोप चल रहा है तो उसके तहत तमाम सुविधाएँ अगर लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगा, हमारे जवान तो करेंगे ही, लोगों को जागरूक भी करते रहेंगे। अगर कोई सामान की जरूरत हो तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी तक 24 टीम हमारा या तो डिप्लॉयड हो चुका है या इन रूट है।